एवरीवन, दिस इज माला सिंह एंड यू जस्ट वॉम वेलकम यू अगेन ऑन दिस चैनल मिशन वन लिफ्ट। कैसे हो आप सब? अभी तक प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो आप सारे वीडियोस देख के एटलीस्ट इतना तो कर लो कि आप कोई भी मॉडल आए तो आप उसे इजीली बना पाओ। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट क्लासेस, सो क्लासेस इज गोइंग ऑन, इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन। बहुत सारे मैं आपको एडवांस चीज़ें बताऊंगी जो हेल्प करेगी आपको सिचुएशन टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म करने में। ओके, सो आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू डेडिकेट फॉर द बेसिक शेप्स, तो बेसिक शेप्स आना ज़रूरी है ताकि बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहा एग्जाम में तो एटलीस्ट बेसिक कोई कनेक्ट करके आप इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हो। तो या इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, प्रिज्म, एवरीथिंग लाइक अ 3D। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल का पैटर्न है, इसे आप नोट कर लो कहीं पे, छोटा सा पीस बना के रख लो ताकि आपको याद रहे। और जो मैं अभी कर रही हूँ ना, ये हाफ कट है, मीन्स इतने हल्के से आपको चलाना है कि पेपर कटना हो, जस्ट अ मार्क हो जाए और पेपर भी कटना हो। ओके, आई मीन प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आपको कम लगाना है कटर के ऊपर एंड देन आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा छोटे इसलिए मैं कर नहीं पा रही हूँ, बट आप अगर साइड से पेपर निकालोगे ना तो वो इजीली निकल जाता है, बट मैं नहीं निकाल पाई। सो या मैंने फिर डायरेक्ट ही उसे पेस्ट कर दिया और पेपर क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन था तो पेस्ट भी हो गया। ओके, बट आप बहुत थिन पेपर से मत करना प्रैक्टिस। सो दिस इज़ अ स्क्वायर, तो ये क्यूब बना रही हूँ मैं, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो इस पैटर्न को एंड आप भी मेरे साथ बना सकते हो। ओके, कई ऐसा मत सोचो कि बहुत बेसिक है, बेसिक में कैसे बनाऊं या फिर बेसिक में क्यों बनाऊं, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग शेप बनाना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक आना चाहिए आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ओके, तो बहुत बार क्या होता है ना एग्ज़ाम में कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक करते हो, आपको शेप समझ नहीं आता कि आप क्या बनाओ क्या नहीं, तो बेसिक आपको इतने अच्छे से याद हो जाना चाहिए क्योंकि है ना बेसिक को भी आप ऐड कर करके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग शेप बना सकते हो। ओके, एंड अगर आप कोई भी अवार्ड वगैरह भी बनाते हो ना तो उसके नीचे जो बेस लगाते हैं, अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं आता बनाना तो आप एटलीस्ट बेसिक तो बना के आओगे, छोड़ के नहीं आओगे। एंड यस गाइस, ग्लू यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक कॉटन का हैंकी होना चाहिए क्योंकि हमारे हैंड गंदे हो जाते हैं और उसकी वजह से आपका मॉडल भी ख़राब हो सकता है। ओके, सो ये भी एक पार्ट है सिचुएशन टेस्ट का कि आपके पास एक कॉटन का कोई फैब्रिक होना चाहिए जिससे आप हैंड को बार बार साफ कर सको। ओके, सो इस तरीके से पेस्ट करेंगे। जब हमने साइड से रिमूव किया पॉलिश जो शीट था तो ये बहुत ही रफ़ टेक्सचर मिलता है और रफ़ टेक्सचर हमें इसलिए चाहिए होता है ताकि हम शीट को ईजिली पेस्ट कर सकें। जस्ट लाइक आई एम शोइंग यू ये कितना ईजिली पेस्ट हो रहा है क्योंकि मैंने इसके साइड्स को निकाल दिया। ओके, सो आप भी ये प्रोसीजर फॉलो करके एक अच्छा सा क्यूबॉइड और क्यूब बना सकते हो। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको मैंने किस तरीके से बनाया। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा है वो है सर्कल। अब सर्कल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कटवर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत क्रिएटिव तरीके से भी सर्कल बना सकते हो। लाइक आपको सिचुएशन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने का, आप ये मत सोचना कि मुझे एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल क्राफ्टर बनना है, अभी वो मत सोचो। अभी आप बस सिचुएशन टेस्ट के लिए सोचो क्योंकि वही अभी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, सो सर्कल बनाने के लिए एक लंबा सा स्ट्रिप लेंगे, देन दोनों साइड से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्रिएटिव कोई भी क्रिएटिव शेप बनाओ आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो उसमें। ओके, सो यहाँ पे ट्रायंगल्स कट करेंगे जस्ट लाइक आई एम डूइंग। तो पूरे में लाइन में हम ट्रायंगल्स को कट करेंगे एंड एंड में हम फिर से रिमूव करेंगे पॉलिश जो शीट है उसको। ओके, सो आई होप यू डू दिस प्रोसीजर विद मी एंड या इस तरीके से पूरा निकालने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। देन फिर से हाफ कट लगाएंगे, दिस इज़ ऑल्सो अ हाफ कट गाइस, फुल कट नहीं है। फुल कट होता है जिससे पेपर पूरी तरीके से कट हो जाता है, हाफ कट होता है जिसमें कि आपका पेपर कट नहीं होता, जस्ट वहाँ से पार्ट आपका फोल्ड होने लगता है। ओके, सो इस पार्ट को करने के लिए बहुत सेफ्टी की ज़रूरत है क्योंकि ये पार्ट करते समय ना आप बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ सकते हो क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, मतलब एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बट एट द फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो ना तो आपको थोड़ा सा लगेगा ये क्या बता रही हो आप दीदी, ये नहीं हो रहा मुझसे, तो ऐसा होता है ना। तो बट अभी आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो इसको करने के बाद आपको सच में बहुत खुशी मिलेगी अगर ये अच्छे से आपने बना लिया तो।
सो या इस तरीके से पेस्ट करेंगे। अगेन हैंकी होना चाहिए पास में, अदरवाइज मॉडल ख़राब हो सकता है। ओके सो सेफ्टी से और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ इसको करेंगे। फिर ऊपर से जो हमने ट्रायंगल्स कट किए थे उसको अंदर की तरफ पुल करते हुए उस पर ग्लू लगाएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से। ओके देन जो नेक्स्ट सर्कल था, जो हमारा सेकेंड सर्कल था, उसको इसके ऊपर केयरफुली पेस्ट करेंगे एंड थोड़े देर, मतलब थोड़े टाइम के लिए हैंड को उस पर प्रेस करके रखो ताकि वो स्टिक हो जाए प्रॉपरली। एंड ऐसे चिपका के डायरेक्ट मत छोड़ना, थोड़ी देर आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ओके आफ्टर दैट वो बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके सो आप देख सकते हो मैंने इसे बना दिया। सो आप भी ट्राई करो, आप भी बना सकते हो, ऐसा मत सोचो मैं ही बना रही हूँ, आप भी बना सकते हो। सो ये जो आप देख रहे हो ना, जिसमें मैंने पैटर्न्स कट किए, तो बेसिकली ये मैंने पहले ही कट कर लिया था बॉक्सेस में जब मैं इसको पेस्ट कर रही थी उससे पहले ही। ओके सो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो जस्ट लेट मी नो कितना समझ में आया, कौन सा शेप में आपको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट गाइज, ट्रस्ट मी, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बहुत सारे टॉपिक कवर कर सकूँ, देखते हैं मुझसे जितना होगा आई विल ट्राई। ओके सो यू ऑल्सो हैव टू डू विद मी। ओके एंड या इफ यू सॉल्व दिस सो टैग मी ऑन इंस्टाग्राम सो दैट आई विल बी हैप्पी टू सी योर आर्ट वर्क, एंड आपका काम देख के मुझे हमेशा ही खुशी मिलती है। सो हियर इज द असाइनमेंट, आई होप यू डू, एंड इफ यू सॉल्व दिस लाइक अ रिक्रिएट ही करना है, सो जस्ट रिक्रिएट एंड टैग अस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बट डोंट वरी, जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है आई लाइक ट्राई माई बेस्ट टू मेकिंग यूट्यूब वीडियो फॉर यू पीपल। सो या इफ़ यू फाइंड हेल्पफुल एंड अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके एंड या डू लाइक सब्सक्राइब करिए, मैं बोलती नहीं हूँ बट मैं भूल जाती हूँ, बट आपको करके जाना है। स्माइल के साथ सब कुछ पॉसिबल है, तो स्माइल करो और जितना आप कर सकते हो उतना करो। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ हैप्पी प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट, टाटा।